दोस्तों, क्या आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है? तो फिर आपको अपने PMAY स्टेटस को चेक करने का प्रोसेस भी पता होगा। क्या नहीं पता? तो फिर हम बताएंगे ना। आज की हमारी ये वीडियो इसी पर आधारित है, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना प्रोग्राम के तहत सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है तो फिर आपको अपने PMAY सब्सिडी एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक करने के लिए किसी लाइन का हिस्सा होने की जरूरत नहीं। अब आप घर बैठे ही अपने मोबाइल या पर्सनल कंप्यूटर पर PMAY क्लैप वेबसाइट के जरिए अपने PMAY सब्सिडी के स्टेटस को आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि PMAY सब्सिडी स्टेटस को चेक करने के लिए आपको किन किन इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। PMAY स्टेटस को ऑनलाइन और ऑफलाइन चेक करने के कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास आधार नंबर, आपकी PMAY एप्लीकेशन ID, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपका ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट नंबर होना बेहद जरूरी है। आधार के साथ PMAY स्टेटस चेक करना एक बहुत ही आम मेथड है। ये ज़्यादातर इसलिए उपयोग में लाया जाता है क्योंकि आधार के साथ PMAY स्टेटस चेक करने के लिए और PMAY सब्सिडी स्टेटस के बारे में हर एक जानकारी हासिल करने के लिए आपको सिर्फ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपका आधार नंबर 12 डिजिट का वो नंबर होता है जो कि UIDAI के जरिए जारी किया जाता है। यह आपके आइडेंटिटी नंबर के रूप में भी काम करता है, साथ ही इसी आइडेंटिटी और एड्रेस के प्रूफ के तौर पर भी माना जाता है। आधार कार्ड के साथ PMAY स्टेटस चेक करने के लिए PMAY क्लैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और मेन मेन्यू से सर्च बेनिफिशियरी ऑप्शन पर क्लिक करें। जब आप सर्च बाय द नेम ऑप्शन को चुनेंगे तो फिर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा और यहाँ अपना आधार नंबर दर्ज करने के बाद आप अपने PMAY एप्लीकेशन की सभी डिटेल्स और स्टेटस को आसानी से देख पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके आप अपने PMAY सब्सिडी स्टेटस को अपने एप्लीकेशन ID के जरिए भी चेक कर सकते हैं। आपके पास अपने नाम, फादर्स नेम, ID और मोबाइल नंबर के जरिए भी PMAY सब्सिडी स्टेटस को चेक करने का ऑप्शन मौजूद है। अब आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ अपने जरिए चुने गए ID टाइप की डिटेल्स को दर्ज करना होगा। अगर आप अपने PMAY एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करना चाहते हैं तो आप अपनी असेसमेंट ID और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करके ऐसा आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आप अपना PMAY स्टेटस ऑफलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आप अपने PMAY स्टेटस को ऑफलाइन चेक करना चाहते हैं तो आप एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करके या फिर लोकल अथॉरिटी से संपर्क करके ऐसा कर सकते हैं। CLSS से संबंधित क्वेरीज के लिए एप्लीकेंट्स नेशनल हाउसिंग बैंक यानी NHB और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HUDCO के टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। NHB के लिए नंबर है 1-800-11-3377 और 1-800-11-3388। HUDCO के लिए ये नंबर है 1-800-11-6163। इसके लिए आप अपने म्यूनिसिपल अथॉरिटी के स्थानीय ऑफिसर जो कि बतौर PMAY प्रोग्राम के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हों उनसे भी सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने PMAY एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक करने के लिए अपने बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की इस वीडियो के जरिए आपके लिए PMAY स्टेटस को चेक करना अब काफ़ी आसान हो गया होगा। दोस्तों, आज के हमारे इस खास वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। For more such videos, subscribe to housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.